चलते रहे, क्या अब ज्यादा आप कॉशियस होंगी? अगर आपका कोई रिलेशनशिप इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई ऐसी चीज होती है तो अब आप बोलेंगी कि नहीं यार आई'd लाइक टू कीप इट प्राइवेट, या वुड यू स्टिल डू द सेम थिंग कि यार आप पब्लिक स्पेस में उसका इजहार करेंगी? होपफुली अरेंज मैरिज होगी और जब शादी होगी निकाह होगा तभी पिक्चर सामने आएंगी, वरना उससे पहले नहीं। अच्छा, ये आपने एकदम बड़ी बात हो रही थी, एकदम आपने बड़े ये इंटरेस्टिंग आपने कहा कि होपफुली अरेंज मैरिज होगी, यानी कि ये फैसला हो चुका है कि अब अरेंज मैरिज ही होगी। अरेंज मैरिज ही होगी, मामा पापा से बेहतर तो कोई आपके लिए नहीं देख सकता। और वैसे भी पहले मैं ये कहती थी कि यार उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, ऐसा वो दिखना चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि लॉयल हो, सिंसियर हो और केयरिंग हो, दैट्स इट। और वो माँ बाप से बेहतर कोई नहीं ढूंढ सकता है। ये चेंज क्यों आया आपकी थॉट प्रोसेस में? मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर शादी करनी है तो आपका पार्टनर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपके लिए वो केयरिंग एटीट्यूड रखता हो। ये नहीं कि वो अपने लुक्स के उसमें गरूर में आके आपके साथ मिसबिहेव करे या फिर आपको बुरी तरह से ट्रीट करे या डिसरिस्पेक्ट करे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो इंसान दिल का अच्छा हो उससे करनी चाहिए, ये लुक्स वालों लुक्स के पीछे जाके आप फंसते हो। तो एक सेकंड के लिए मेरा बड़ा वो हो गया, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। आई थिंक इट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू बी ड्रॉन हियर, के लोग देखते हैं यंग लड़के लड़कियां लुक से बड़ा वो स्मिटन हो जाते हैं और वो कहते हैं यार कि जो जाहिरी पर्सनालिटी है, जो अपेयरेंस है, वो अगर अच्छा हो तो बस दैट इज व्हाट मैटर्स। सीरत देखनी चाहिए आपको इंसान की। आप अपेयरेंस के ऊपर शादी नहीं कर सकते। आपको मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगता है अगले बंदे का नेचर समझने में, और एक इंसान का आप कह लें कि पर्सनैलिटी नेचर तभी सामने आती है जब वो गुस्से में होता है। अच्छा, और अगर गुस्से में कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि वो उसकी असल पर्सनैलिटी है, उससे पहले वो प्रिटेंड कर रहा है। तो लेकिन जन्नत, अब एक जो प्रॉब्लम हो गई है कि क्योंकि आपने कह दिया कि अब अरेंज मैरिज होगी, तो वो जो डीएम में सारे पूछ रहे हैं कि शादी शादी कब है कब है, और जो बेचारे होप में थे कि शायद कोई उनका कोई कुछ हो सके बन सके, अब वो क्या करेंगे सब? मुझे नहीं पता क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। देखिए मेरी शादी की पिक्चर्स लाइक कीजिएगा आप सब लोग के लिए।